नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स क्लास के अंदर। आज अपन क्लास टेंथ वाली मैथमेटिक्स का लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए वीडियो। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर भाग के बारे में बात करूंगा। और क्लास टेंथ का जो चैप्टर फर्स्ट, जिसके दो पार्ट अपन ने पहले ही पढ़ रखे हैं और आप लोगों के वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है क्रमबद्ध तरीके से, तो आज मैं उसका पार्ट थ्री वेदी गणित का लेके आया हूँ। और उसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 तक जो कंसेप्ट हो रखा था आपने, कौन सा जोड़ हो रखी थी, व्याकलन हो गया था और गुणा भी हो गया था, ये तीनों कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिए थे। अब मैं चल रहा हूं भाग की ओर। भाग की अपने तीन विधियां हैं वेदी गणित के अंदर। सूत्र लिखे लो, सूत्र प्रावृत्तीय योजन, सूत्र लिखी और सूत्र प्रावृत्ति, और एक है ध्वजन। अभी अपन पहले इन दो के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन ध्वजन की ओर चलेंगे। तो देखें सूत्र निखिलम में क्या है। सूत्र निखिलम का सबसे पहले ये चार्ट बनाना आपको आना चाहिए, ये वाला चार्ट, तीन कॉलम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन भागों के अंदर इसको बांटना है। अब वो देखें समझे क्या है, सबसे इधर क्या आएगा, बीच में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, इसके बेस पे अपन सारी चीजें तय करेंगे। फॉर्मूला है संशोधित भाजक क्या होता है। संशोधित भाजक होता है आधार माइनस भाजक। अब पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जब अपन भाग देते हैं तो ये वाली चीज तो होती है भाज्य और ये होता है भाजक, और यहां पर अपने भागफल आता है और जो चीज लास्ट में बच जाती है वो शेषफल यहां बचे। तो मैं बात कर रहा हूं भाजक, यहां पे भाजक यूज करना है, तो संशोधित भाजक कैसे निकालूंगा, आधार माइनस भाजक। और आधार निकालना मैंने आपको सिखाया है लास्ट वेदी गणित के वीडियो में, आधार जो संख्या दे रखी होती है उसमें कितने अंक है उसके बेस पे मैं आधार निकालूंगा। तो देखें यहां पर सबसे पहले भाजक लिखूंगा, जो मेरे को भाजक दे रखा होगा, जो संशोधित भाजक आएगा उसको यहां पुट करूंगा। संशोधित भाजक में जितने अंक होंगे उतने के उतने अंक भाज्य से, भाज्य के अंक उठाऊंगा और वो भाज्य के अंक यहां रखूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फिर भाज्य के अंक जो संशोधित भाजक के अनुसार है, जो शेष बचेंगे, और यहां भागफल और यहां शेषफल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको भाग देना है 1,11,034 के अंदर 890 का भाग लगाना है। तो देखिए भाग लगाने के लिए सबसे पहली चीज तो ये क्या है, ये तो है मेरी, ये है अपना भाजक और ये क्या है भाज्य। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य निकालें, संशोधित भाज्य क्या होगा, आधार माइनस संशोधित भाजक, सॉरी आधार माइनस भाजक। तो संशोधित भाजक निकालूंगा तो आधार माइनस भाजक, तो आधार कितना है और भाजक कौन है, भाजक तो है मेरे पास 890, इस 890 का ही आधार बताना है, 890 का आधार कितना है 1000, भाजक कितना है 890, माइनस करूंगा तो कितना आएगा 111, किसमें प्लस में। अब एक चीज ध्यान दे, जो सूत्र निकिलम है, सूत्र निकिलम के अंदर जो संशोधित भाजक आता है वो हमेशा किसमें आता है, प्लस में ही आता है। अगर संशोधित भाजक प्लस में नहीं आता है तो मैं ये सूत्र प्रावृत्ति यूज करता हूं, और अगर प्लस में आता है तो निकिलम यूज करता हूं। तो संशोधित भाजक अपन ने निकाल लिया, अब जो चार्ट बनाना है उसके बारे में समझे। यहां पर लिखा है भाजक, भाजक कितना है 890, भाजक रख दिया मैंने। फिर नीचे लिखा है संशोधित भाजक, संशोधित भाजक कितना आया 111, संशोधित भाजक रख दिया मैंने यहां पे। भाज्य के अंक लेने हैं, आप देखो भाज्य के अंक बीच वाले कॉलम में, लेकिन संशोधित भाजक वाले अंक छोड़कर, भाज्य के अंक लेने हैं लेकिन संशोधित भाजक वाले अंक छोड़कर, और लास्ट में देखें यहां पे भी भाज्य के अंक है और यहां पे भी भाज्य के अंक है, लेकिन ये संशोधित भाजक के अनुसार है। संशोधित भाजक में कितने अंक आए,
संशोधित भाजक में है टोटल 3 अंक। तो यहां पर भाज्य, ये भाज्य ना, भाज्य के जो लास्ट 3 अंक है ना, जितने यहां पे आएंगे यानी जितना संशोधित भाजक में अंक आएगा उतने में भाज्य में से अंक लेके पीछे लिख दूंगा। तो यहां 3 अंक है तो मैंने 3 अंक पीछे रख दिए, इसमें से 3 अंक, तो ये संशोधित भाजक के अनुसार। और शेष अंक जो भी बचते हैं वो बीच में रखना है, तो बीच में क्या 111। तो ये आपको इस प्रकार इस क्रम को जमाना है। अब भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं, तो देखें कुछ नहीं करना है, एक का एक मतलब योग करना है, इसके नीचे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो एक को एक रख दिया। इस एक को मैं इन तीनों से गुणा करूंगा, तो गुणा करूंगा तो तीनों से 111 आ जाएगा, लेकिन एक अंक के नीचे एक अंक ही रखना है, 111 एक एक अंक के नीचे रख दिया। ये दोनों एक और एक कितना हो गया, दो को इन तीनों से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा 222, लेकिन एक अंक के नीचे एक अंक, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 4, और 4 से इन तीनों को गुणा करते हैं तो ये 444। ये अपना क्या आ गया है भागफल, क्योंकि ये भागफल वाला मतलब है, और भागफल और ये लास्ट में शेषफल, तो शेषफलों को जोड़ लीजिए, 4 और 4 कितना होता है 8, 3 और 6 कितना हो गया 9, 4 और 3 7, 798, ये अपना आ गया शेषफल। तो ये जो शेषफल जो भी आ रहा है इसका भी ध्यान रखें कि ये शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होना चाहिए, भाजक जितना भी दे रखा है, अगर यहाँ 899 दे रखा है या 890 आ जाता तो अपन भाजक का फिर भाग देते, तो ये चीज छोटी होनी चाहिए। अब उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। एक और नीचे जो मैंने नोट लिखे हैं, सूत्र प्रावर्ती है, सूत्र निखिलम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, सूत्र प्रावर्ती जो विधि है उसमें भी आपको सूत्र निखिलम के अकॉर्डिंग ही चलना है, लेकिन करना क्या है वो देखें। संशोधित भाजक अगर धनात्मक आता है, पॉजिटिव धनात्मक आता है, तो कौन सी विधि हम काम में लेते हैं अपन, सूत्र निखिलम। संशोधित भाजक ऋणात्मक आ जाता है तो सूत्र प्रावर्ती यूज में लेते हैं, और संशोधित भाजक का फॉर्मूला क्या है, आधार माइनस भाजक। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें मैं आपको दोनों विधियों के एक एक क्वेश्चन समझा देता हूं, सूत्र निखिलम और सूत्र प्रावर्त्य दोनों विधियों के करते हैं। देखें बोर्ड में जब अपने क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का लिखा हुआ मिलेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले संशोधित भाजक निकालें, संशोधित भाजक हो गया आपके आधार माइनस भाजक। आप लोगों के पास आधार अभी निकालेंगे, उससे पहले भाजक क्या है, तो भाजक मेरे पास है 97, ये भाजक हो गया। तो देखें इसका ही आधार निकालना है, इसका आधार है 100 और भाजक है 97, घट गया तो क्या आया 03 आया, न की 3 दो अंकों का है, तो ये प्लस में आया, जब प्लस में हो तो सूत्र निखिलम काम आता है। तो एक बार इसका चार्ट बना लेते हैं, यहां पर तो आएगा मेरे पास भाजक कितना है 97, यहां पर आएगा संशोधित भाजक कितना है 03, जितने इस संशोधित भाजक के अंदर अंक हैं, ये रहा अपना भाज्य, उतने ही भाज्य के अंक लास्ट में रखने हैं, तो यहां रखू 12 और 21 मेरा आ जाएगा बीच में। क्या करेंगे, दो का दो रहेगा, योग करना है, दो को इनसे गुणा करूंगा तो दो का गुणा 0 से होगा 0 हो जाएगा, दो का गुणा 3 से होगा 6 हो जाएगा, एक और 0 कितना होता है 1, एक को इससे गुणा करना है तो 1 × 0 = 0, 1 × 3 = 3, वापस वही योग करना 3 और 2 = 5, 6 और 1 = 7। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो इससे छोटा भी होना चाहिए भाजक से, अभी अपन ने बोला था ये। तो यहां पर अपने पास भागफल क्या आया है और शेषफल क्या आया है, भागफल तो आ गया 21 और शेषफल आ गया है अपने 75, 75। ऐसे कैसे, अब सूत्र प्रावर्ती का क्या कंसेप्ट है, इसमें भी सबसे पहले क्या निकालना है आपको, निकालना है संशोधित भाजक निकालते हैं, तो संशोधित भाजक इसका क्या होगा, संशोधित भाजक हो जाएगा आधार माइनस भाजक, तो आधार कितना है इसका और भाजक कितना है इसमें, तो भाजक तो है 131
इसका 100 ही रहेगा, 100 माइनस 131 तो ये हो जाएगा माइनस का 31। और इस चीज को नाइन्थ में आप लोगों ने सीखा है, अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन के ऊपर बार और एक के ऊपर बार, तो इसका भी चार्ट बनाते हैं। यहां पे लिखना है अपन को भाजक 131, यहां आ जाएगा संशोधित भाजक यानी तीन के ऊपर बार और एक के ऊपर भी बार। इसके अकॉर्डिंग इसमें से दो अंक, अगर यहां तीन आते तो तीन अंक, एक आता तो एक अंक, तो लास्ट में 85 हो गया और 133 आ गया आपने बीच में। अब क्या करना है, वापस वही कंसेप्ट लेते हैं, योग करने वाला, तो एक का तो एक ही रहेगा, एक को माइनस तीन से गुणा करूंगा माइनस तीन हो जाएगा, एक को एक से माइनस एक से गुणा करूंगा तो माइनस एक, तीन में से तीन चले गए, क्या बचा जीरो। जीरो को किससे भी गुणा करो, माइनस या प्लस कोई दिक्कत नहीं, जीरो जीरो ही रहेगा। तीन में से एक घटाना है, कितना बचेगा दो, दो को इससे गुणा करते हैं पूरे से, तो दो दिया छह माइनस का और दो एकम दो माइनस का दो, तो आठ में से दो गया कितना बचा तीन, और आठ में से छह गया कितना बचा दो, तो भागफल कितना आ गया यहाँ पे, भागफल तो आ रहा है अपने 102 और शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल आया है अपने 23। तो बिल्कुल इजी वे में सूत्र निकालना और सूत्र प्रावर्त के द्वारा अपन बात कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं ध्वजांग विधि, तो अब अपन ध्वजांग विधि के बारे में देखते हैं और ध्वजांग विधि का बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। ध्वजांग विधि के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ सके। जैसे 38756 में भाग देना है 137 का, इसको अपन एक बार अरेंज कर रहे हैं, फिर अपन कोई बुक वाला एग्जांपल लेके अपन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये तो है अपने पास भाज्य और ये आपके क्या है, सॉरी ये है आपके भाजक और ये है भाज्य, क्योंकि यहां पर अंदर वाली चीज भाज्य होती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाजक का, ये भाजक है, भाजक का जो इकाई अंक है, जैसे 137 तो 137 का इकाई अंक कौन है सात, ये इकाई अंक हमेशा ही मेरे क्या रहेगा ध्वजांक, इकाई अंक को मैं हमेशा ध्वजांक मानूंगा। और जो शेष अंक है या जो भी शेष संख्या है, शेष अंक भी हो सकता है शेष संख्या भी हो सकती है, उसे मैं क्या मानूंगा मुख्य अंक। तो सबसे पहले तो यही से शुरुआत करते हैं, ये जो सात है वो है इकाई अंक और इकाई अंक को मैं क्या ले रहा हूं ध्वजांक, ये ध्वजांक है। और पीछे जो शेष अंक या जो भी शेष संख्या बचती है वो अपने क्या हो जाएगी मुख्य अंक। इसमें भी आपको तीन चार्ट में इसको डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर पहले भाग के अंदर क्या आएगा ध्वजांक और मुख्य अंक। ध्वजांक कहां से लाया हूं मैं, भाजक का इकाई अंक, ध्वजांक रख दिया मैंने, मुख्य अंक कहां से लाऊंगा शेष अंक। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे संशोधित भाज्य, लास्ट वाले पार्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने संशोधित भाजक के बारे में लिखा था, यहाँ संशोधित भाज्य लिख रहा हूं, नया भाज्य माइनस भागफल इनटू ध्वजांक। अब ये कंसेप्ट क्या है उसको समझे, इन दोनों चीजों को समझे पहले, यहाँ पे ध्वजांक और मुख्य अंक हो गया, यहां पर जो भी अंक आएगा, यहां पर जो भी अंक आएगा वो भाज्य का इकाई अंक, अगर इसके अकॉर्डिंग आप इकाई अंक को लेके करते हैं तो इकाई अंक ही रहेगा लास्ट में। अगर आप दो दो डिजिट को मुख्य अंक ध्वजांक इसके अकॉर्डिंग बनाते हो तो भाज्य में वो चीज चलेगी दो डिजिट पर। तो ये सात यहां पर ये इकाई अंक ही था, तो इकाई अंक के अकॉर्डिंग मैं इस भाज्य का इकाई अंक लास्ट में रखूंगा, ये मेरा लास्ट वाले कॉलम में आ जाएगा, बाकी जो भी ये संख्या है वो बीच वाले कॉलम में आएगी और यहां पर भागफल आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा शेषफल जब अपन रिजल्ट निकालेंगे। अब ये दोनों चीजें आएगी कैसे, भाग सदैव मुख्य अंक का, भाग सदैव मुख्य अंक का ही लगाऊंगा मैं और मध्य पद में लगाऊंगा, तथा अगला भाग पुनः संशोधित भाज्य में लगता है, यानी शुरुआत में जब मैं भाग लगाऊंगा तो इस मुख्य अंक का यहां वाले जो भी पद लिख रखा होगा जो भी संख्या लिख रखी होगी उसमें भाग लगाऊंगा किसका मुख्य अंक का, फिर मैं भाग लगाऊंगा किसमें संशोधित भाज्य में, तो संशोधित भाज्य निकालने का फॉर्मूला ये आपके पास है।
फिर सेकंड में देखें, संशोधित भाज्य देखो ऋणात्मक हो तो, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर संशोधित भाज्य माइनस में आ गया तो पद को क्या करेंगे अपन, कैंसिल, रद्द कर देंगे। और अगर पद रद्द हो गया तो फिर क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, पहले जितनी बार मैंने भाग लगाया था उससे एक बार कम भाग लगाऊंगा, अगर पहले भाग चार बार जा रहा था अब मैं तीन बार ही दूंगा। और लास्ट चीज, अंतिम संशोधित भाज्य ही शेष फल होता है, अंतिम संशोधित भाज्य जो बचता है ना वो ही शेष फल होता है, उसमें भाग नहीं लगता। अभी मैंने आपको समझाया कि संशोधित भाज्य में भाग लगता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जब जाएंगे तो जो लास्ट संशोधित भाज्य बचेगा वही क्या रहेगा, शेष फल, उसमें भाग नहीं लेना। और ये चीज कहां लिखी जाएगी, शेष फल वाले कॉलम में, शेष फल वाला कॉलम ये है, और ये किसका है, भागफल का। तो अब अपन ये क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। तो अब अपन ये क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर आधारित, 58,764 में 59 का भाग देना है और सूत्र ध्वजांग द्वारा। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इस बार भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ये सूत्र ध्वजांग बोर्ड के लिए 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो सॉल्व करते हैं, 58,764 में भाग देना है 59 का। सबसे पहले ये 59 क्या है, 59 है अपना भाजक, और ये क्या है, भाज्य। तो दोनों काम हो गया 764। आपको सबसे पहले चार्ट बनाना है, चार्ट बना के उसके अंदर अपन को मान रखने पड़ेंगे। तो यहां पर ध्वजांग कौन है और मुख्यांक कौन है, ध्वजांग और मुख्यांक। तो ध्वजांग तो हो गया आपका इकाई अंक, इकाई अंक किसका, भाजक का, भाजक का इकाई अंक कौन है, 9, और जो शेष बचा है वो क्या है, मुख्यांक, तो मुख्यांक हो गया 5। तो यहां रख रहा हूं ये ध्वजांग, ध्वजांग आपका 9 और मुख्यांक कितना, मुख्यांक है 5। अब भाग हमेशा किसका लगेगा, मुख्यांक का, और लगाना कहां है, या बीच में जो संख्या आएगी उसके उसके लिए। तो इसमें अगर इकाई अंक यहां रख रहा हूं तो यहां पे भी इकाई अंक लेना है किसका, भाज्य का, 4 यहां आ गया, बाकी जो शेष बची जो संख्या है 5,876 ये आ जाएगी आपके बीच में। तो बिल्कुल पहले आपको ये चीज अरेंज करनी है कि इसको सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एक अंक यहां का लेना है और भाग मुख्यांक का इसके अंदर देना है। तो 5 के अंदर में किसका भाग लगाऊंगा, 5 का। तो देखें भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार, भागफल 1 आ गया, शेष कितना है, शेष पर तो 0 बचा, 5 का भाग 5 में एक बार गया लेकिन पीछे कुछ नहीं। तो यहां पर शेष पर रखेंगे अपन, भागफल नीचे और शेष पर ऊपर, शेष पर 0 बचा, ये जो 0 किसके आगे लगा, 8 के आगे, ये 0 8 अपना क्या है, नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य बराबर कितना आगे, 0। लेकिन भाग किसमें लगना है, हमेशा संशोधित भाज्य में लगता है भाग, तो संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य का फॉर्मूला अभी लिखा था, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, भागफल इंटू ध्वजांक। तो बार बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अपन, तो संशोधित भाज्य लिख देता हूं मैं यहाँ पे, संशोधित भाज्य बराबर, क्योंकि भाग अब किस में लगेगा, संशोधित भाज्य में ही लगेगा, नया भाज्य कितना है, 0 8, 0 8 में क्या करूं, माइनस भागफल कितना आया, 1, ध्वजांक कितना है, 9। तो 0 8 माइनस 9 क्या बचा, माइनस 1। लेकिन अभी अपन ने क्या समझाया था कि अगर वैल्यू माइनस में आती है भाग देने के बाद, जो संशोधित भाज्य का मान माइनस में आता है तो वो पद ही रद्द हो जाता है। अब वो पद ही रद्द हो जाता है तो क्या करते हैं अपन, भाग अपन ने जितनी बार लगाया था उससे एक कम बार देते हैं, 5 का भाग 5 में एक बार ना देंगे, 0 बार देंगे। तो ऐसा क्यों करें अपन, इससे अच्छा दो अंक भाग देते हैं, अब यही करते हैं, अगर एक अंक में भाग नहीं जाता तो अपन दो अंक लेते हैं। तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, मैं पूरा 58 58 ही लूंगा, लेकिन 58 में किसका भाग लूंगा, 5 का।
58 में 5 का भाग 11 बार ज्यादा है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि भाग हाईएस्ट 9 बार ही देते हैं, कभी भी 11 बार भाग नहीं दिया जाता है। तो 58 के अंदर 5 का भाग अधिकतम मैं 9 बार ही दे सकता हूं, तो 9 × 5 = 45 होता है। पीछे कितना बचा, 5 और 8 = 13 यहाँ पे बच रहा है शेष, शेष पर कितना बच गया 13। इस चीज को ध्यान रखें। तो 2 अंक लिए, ये मेरे काम नहीं आया, तो भाग कितनी बार, 9 बार दिया मैंने, तो ये भागफल 9, शेष पर कितना 13, 7 के आगे लगा दिया, तो नया भाज्य क्या बना, नया भाज्य बन गया अपने 137। अब इस चीज को भी समझे आप लोग, ये तो हो गया। ये जो मैं फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, मैं उसी पैटर्न को चला रहा हूं कंटिन्यू, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। नया भाज्य आ गया, अब चाहिए यहां पे क्या, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालूंगा, संशोधित भाज्य आ जाएगा नया भाज्य, नया भाज्य 137, उसमें से क्या माइनस करना है, भागफल इंटू ध्वजांक, भागफल तो आया 9 और ध्वजांक है 9, तो 9 × 9 माइनस कर देता हूं, तो 9 × 9 137 में से 81 माइनस करूंगा, तो 7 में से 1 6 और 13 में से 8 कितना बचेगा 5, 56। सेकेंड स्टेज अपना, सेकेंड स्टेप हो गया क्लियर। थर्ड स्टेप पे वापस क्या करना है, वापस संशोधित भाजी में अपन भाग लगाएंगे, तो 56 में 5 का भाग लगाऊंगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, जब तक यहां पर अपन चल रहे हैं तब तक अपन भाग लगाएंगे, लास्ट में जाते ही अपन भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस कंडीशन में संशोधित भाजी अपना क्या होगा, शेष पर होगा। तो वापस वही स्थिति आ गई, 5 का भाग 56 में, हाईएस्ट भाग तो 9 बार ही लगता है, भाग तो 55 11 बार जा सकता है, लेकिन 9 बार ही लगूंगा, शेष पर कितना बच रहा है, तो यहाँ शेष पर बचेगा मेरा 45 हो गया ये, और 11 बच जाएगा। तो पहला काम यहाँ पे करें, भाग 9 बार गया, शेष कितना बचा 11, तो 116 हो गया नया भाज्य। तो यहाँ लिख दीजिए नया भाज्य बराबर 116 हो गया। 116 में से क्या घटाना है, 9 × 9 वापस, तो संशोधित भाज्य निकाल दीजिए, तो संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, नया भाज्य कितना है 116, भागफल 9, ध्वजांक भी 9, तो 116 में से 81 माइनस करूंगा, तो कितना आएगा 5 और 11 में से 8 कितना 3, 35। लेकिन फिर वापस संशोधित भाज्य में भाग लगाना है, और कब तक, जब अपन इस कॉलम में चल रहे हैं तब तक। तो फोर्थ कंडीशन, 35 में भाग दूंगा किसका, 5। अब समझिएगा, 35 में भाग 5, सॉरी 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है, 7 बार, अपन यहां 7 लिख देते, 7 पीछे कितना बचा 0, यहां 0 लिख देता हूं, क्योंकि जो भागफल आएगा वो यहां लिखूंगा, शेष पर आएगा वो यहां लिखूंगा। तो ये नया भाज्य क्या बढ़ा है, 0 था, और जब इस कॉलम में होता हूं तो जो संशोधित भाज्य आता है वही मेरा क्या होता है, शेष पर होता है। तो 0 4 में से घटेगा क्या, वो सोचे, 7 × 9 63, तो माइनस में आ जाएगा, तो पद तो फिर रद्द होगा। तो देखें ये चीज वापस समझा रहा हूं मैं, भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 7 बार, ये लो 7 रख दिया मैंने, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 0, ये 0, नया भाज्य क्या आएगा, नया भाज्य आ गया है 04 हो गया। संशोधित भाज्य अपन लास्ट स्टेज पे है, मतलब लास्ट कॉलम में है, इसलिए ये जो संशोधित भाज्य है यही मेरा क्या होगा, शेष पर, तो मैं ये भी साथ में लिख देता हूं, लेकिन शेष पर को घटाना तो पड़ेगा ना, 04 − 7 × 9 यानी 63 घटाऊंगा, तो माइनस के 59 आएंगे, और माइनस का 59 क्या बता रहा है कि ये पद भी क्या होगा, रद्द होगा। अब रद्द होगा तो फिर क्या करूंगा, इसका भी इलाज क्या है, भाग 7 बार लगाया था, एक कम बार लगा था, ये 7 तो कैंसिल हो गए, 0 भी काम का नहीं है, तो भाग यहाँ पे कर रहा हूं मैं, फिफ्थ स्टेज, 35 में 5 का भाग लगाऊंगा, लेकिन भाग कितनी बार लगाऊंगा, 6 बार ही, और शेष कितना बच जाएगा 5, यहां 6 रखता हूं, यहां 5 रखता हूं, नया भाज्य क्या बना 54, और 6 को 9 से गुणा करूंगा तो 54 हो जाएगा, 0 तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नया भाज्य बना यहाँ पे, नया भाज्य बराबर 54, तो संशोधित भाज्य। और जब लास्ट स्टेज होता है तो जो संशोधित भाज्य होता है वही अपना क्या होता है,
शेष फल होता है। तो संशोधित भाज्य कितना हो गया 54 माइनस 6 इंटू 9, तो 54 माइनस 54 कितना हो गया 0। तो इस प्रकार आप ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इस क्वेश्चन के बेस पे आप एक्सरसाइज के जो भी ध्वजाकृति वाले क्वेश्चन है वो सारे गोल इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार अपने वैदिक गणित के अंदर जोड़ हो चुकी है, बाकी हो चुकी है गुणा, और आज मैंने भाग कंप्लीट करवा दिया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो रही है। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।